हमें जीवन में संघर्ष करना बाज से सीखना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बाज पक्षियों का राजा होता है और अपने शिकार को कभी छोड़ता नहीं है। लेकिन वही बाज जब उसकी उम्र बढ़ने के साथ साथ उसके पंजे और चोंच शिकार के काबिल नहीं रह जाते और पर भी छोटे हो जाते हैं, जिससे वह ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ सकता, जिसके कारण वह शिकार भी नहीं कर सकता। अब सोचो कि ऐसे हालात में या तो बाज भूखा मर जाए या फिर अपने आप को दर्द देकर एक नए जीवन की शुरुआत करे, लेकिन वह ऐसे मरना पसंद नहीं करता। वह पत्थर पर अपने पंजे को मार मार कर तोड़ देता है और अपने चोंच को पत्थर पर घिस कर पहले जैसा नोकीला बनाकर खराब पंख को काट देता है और फिर से पहले जैसा जीवन जीना शुरू कर देता है। अब आप सोचो ऐसे परिस्थिति से बाज बाहर निकलने के लिए कितना अपने आप को दर्द देता है, तब जाकर पहले जैसा होता है। एक पक्षी होने के बाद भी ये अपने आप को इतना दर्द देकर एक नए जीवन की शुरुआत करता है। और यार एक हम हैं जो बिना दर्द झेले सक्सेसफुल होने का ख्वाब देखते हैं जो कभी पूरा नहीं होगा। अगर कामयाब होना है तो बाज की तरह संघर्ष करो और अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों से लड़कर अपने आप को एक नया रूप दो। सब कुछ खत्म होने के बाद भी जीने का जज्बा रखो और फिर से हासिल करने की कोशिश में रहो। तो मैं आपसे अंत में पूछना चाहता हूँ कि आपका संघर्ष बाज के सामने क्या मायने रखता है? तो आप कहोगे कुछ नहीं, इसीलिए दिलो जान से मेहनत में जुट जाओ ताकि आप भी एक दिन सफलता का परचम लहरा सको। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नई इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। जब तक आप अपना ख्याल रखो और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो।